गरियाज परिक्रमा सरकंच के संस्थान के द्वारा वे दाखिल पास जायचा के लिए और आज ही NGTE में भी से सुनवाई के दौरान वे सबसे पहले न्यायालय गए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मौजूद अधिवक्ताओं के टीम के आनंद के पूछा कि क्या वह जिलाधिकारी मथुरा न्यायालय के मौजूद है, वहीं पर वह जिस पर की सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि खुशी नहीं, जिस कारणों की वजह से जिलाधिकारी के आज न्यायालय में नहीं उपस्थित हो सके हैं, और वही जिस पर न्यायालय की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि उनके न्यायालय को पहले से अवगत करवाना चाहिए था। न्यायालय के सरकारी अधिवक्ताओं के निर्देशित में किया गया कि जिलाधिकारी के मथुरा अगली तारीख पर उपस्थित रहे, वही बचत कार्यकर्ताओं के आनंद गोपाल के दास में सत्य प्रकाश मगर सिंह के भी और मौजूद अधिवक्तों के चतुर्थ वर्दी के न्यायालय को भी परिक्रमा मार्ग पर व्यवस्थाओं को भी अवगत करवाया है, जिसमें सर्विस रोड, रिंग रोड और मुख्य बिंदु के न्यायालय के उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मौजूद विभाग के प्रमुख सुशील वर्मा भी पूछा गया। अब तक इन सभी कार्य के क्या प्रगति है, जिसमें एक तो हमें शो कॉज नोटिस जो DM साहब और SHO को इशू किया था उसका रिप्लाई फाइल करना था, वो हमने कर दिया, इस पर नेक्स्ट डेट में सुनवाई होगी। दूसरा, समीर वर्मा जी हैं जो सेक्रेटरी PWD, उनको बुलाया गया था तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप इसको और बैठ के अपने ऑफिसर्स के साथ पूरा एग्जामिन कर लें, उसके बाद हर चीज़ को किस टाइम लाइन में करना है इसके बारे में उन्होंने निर्देशित किया है। 25 तारीख नेक्स्ट डेट है, उसमें वो आएंगे। और तीसरा, एक कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उसके लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया है। सर, कोर्ट को शायद नाराज देखी PWD चीफ सेक्रेटरी साहब पर? नहीं, ठीक है, कोर्ट का अधिकार है किसी बात को रखना या किसी बात को कहना, शायद हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, एक साफ सफाई के आज परिक्रमा संरक्षण संस्थान के मामले में सुनवाई हुई है, जिसमें आज PWD के प्रमुख सचिव समीर वर्मा यहाँ उपस्थित थे। उनसे पूछा गया कि आप रिंग रोड का, सर्विस रोड का और जो हाईवे जो बनना है उसका काम कब तक कंप्लीट कर लें, जिस पर कुछ चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे पाए, कुछ पॉइंट्स पर वो उनका क्लियर जो पॉइंट्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने उनको थोड़ा डांटा और कोर्ट ने कहा कि आप एक काम करिए, आप जो है इसको पढ़ के नहीं आए हैं अच्छे से, आप इसको अगली बार पढ़ के आइए और पढ़ने के बाद में आप हमें आके बताइए कि कितना समय लगेगा और कितनी जल्दी काम कर लेंगे। इसके बाद में न्यायालय ने, क्योंकि SHO गोवर्धन और DM मथुरा से भी जवाब तलब किया हुआ था, तो जिलाधिकारी महोदय यहाँ आज मौजूद नहीं थे, तो उनको जिलाधिकारी को अगली तारीख में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। SHO से पूछा गया कि क्या आपने जो लिखा है आप उसको समझ रहे हैं, आपने क्या लिखा है, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे जो भी अगर कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। SHO ने अपने कोर्ट के सामने ये बात कही तो न्यायालय ने कहा ठीक है, हम इस पर पॉइंट वाइज हम जो है अगली तारीख पर डिस्कस करेंगे, जिलाधिकारी महोदय जब मौजूद रहेंगे। उधर राजस्थान सरकार के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने ये बात। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन